हम कवर करेंगे इंडियन T20 का लीग का मैच नंबर 35वां, जो खेला जाएगा गुजरात टेंडेंस और रॉयल चैलेंज का बीच। आप भी जानते हैं गुजरात टेंडेंस और रॉयल चैलेंज का बीच जो मुकाबला होगा वो कब होगा? इंडियन समय अनुसार कल दोपहर 3:30 में खेला जाएगा। जो 3:30 में जो मुकाबला खेला जाएगा वो मुकाबला कैसा होने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच? अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा, अगर बॉलिंग पिच है तो कौन सा बॉलर को विकेट मिलेगा, डर्म कार्ड यूनिक बॉलर के रूम में कौन रहेगा, शेप बॉलर के रूम में कौन रहेगा, रिक्सी बॉलर के रूम में कौन रहेगा और श्रुमन गिल को कौन सा बॉलर आउट करेगा और विराट कोहली को कौन सा बॉलर आउट करेगा, क्योंकि विराट कोहली या डिप्लोसी इन दोनों को विकेट कौन लेगा? आज दो दो प्लेयर है जिससे अगर डिप्लोसी बच गया तो अच्छे स्कोर कर सकता है। अगर ये दो बॉलर से डिप्लोसी के अगेंस्ट बॉलिंग कराया जाएगा तो डिप्लोसी फ्लॉप्स हो सकता है। ओपनर समझकर रिसेंट के मैच देखकर डिप्लोसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन मत देना। अगर किसे, तब आपका मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा, भाई कैप्टन किसे दे? मैं ये भी बोल देता हूँ आज का मैच में सुमन गिल भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेफ पिक नहीं रहने वाला है, थोड़ा रिस्केबल पिक रहने वाला है। उसके जगह किसी और को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कीजिएगा ताकि आपका टीम अच्छे खासे रैंक कर सके, आपका टीम अच्छे खासे परफॉर्म कर सके। क्यों करूँगा, किस रीजन से रखूँगा और क्यों ड्रॉप करना है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। विदाउट बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। देखिए विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर 3 विकेट कीपर का लाइनअप में, अभी फिलहाल के लिए 2 विकेट कीपर के लाइनअप में नाम शामिल है और दोनों का रिकॉर्ड बता देता हूँ। देखिए दिनेश कार्तिक इस आईपीएल के दौरान 3 मुकाबले खेलने का इन्हें मौका मिला है। 3 मुकाबले में दिनेश कार्तिक अर्धशतक से ऊपर लगाए हैं, 2 में 1 में 16 रन मारे हैं। यानी दिनेश कार्तिक एक टैलेंटी और एक्सपीरियंस बंदे हैं और कम ही बॉलों में अच्छे स्कोर कर सकता है और बैटिंग ऑर्डर नीचे उतरने के बावजूद भी इतना अच्छे स्कोर शतक और शतक मारना, वो हमें T20 में बहुत काबिलियत की बात है। इसलिए अगर आप लोग RCB की तरफ से लेना चाहते हैं तो दिनेश कार्तिक को जरूर रखिएगा, हो सकता है इन्हें मौका मिलने पर ये अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन आज का मैच में क्या दिनेश कार्तिक को बैटिंग करने का मौका मिलेगा या नहीं ये भी बताएंगे, क्यों नहीं मिलेगा ये भी बताएंगे और मिलेगा तो क्यों मिलेगा ये भी बताएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसे आप लोग रिद्धिमान साहा के नाम से जाने जाते हैं और ये ओपनर बैट्समैन है। इनकी IPL अभी सीजन फ्लॉप से चल रहा है और सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है। ये जो है गुजरात टेंडेंस की तरफ से ओपनर बैट्समैन है, साथ ही साथ आपको विकेट कीपरिंग से पॉइंट देने वाला है। इन 2 विकेट कीपर है, दोनों अच्छे स्कोर है, दोनों का सेलेक्शन परसेंट हाई है, दोनों का एक क्वालिटी है जो कि विकेट कीपरिंग की क्वालिटी। ये अगर बैटिंग से दोनों फ्लॉप्स हो जाएगा तो आपको विकेट कीपरिंग से अच्छा खासा पॉइंट देने का संभावना और उम्मीद इनसे लगा सकते हैं। लेकिन रिद्धिमान साहा इस IPL के दौरान फ्लॉप्स हो रहा है, आज का मैच में रिद्धिमान साहा को फ्लॉप्स होने का चांस 99% है। दिनेश कार्तिक या रिद्धिमान साहा में से किसी एक को आप लोग अपनी टीम में शामिल करना, चाहे आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL GL का रिक्सी टीम जो भी टीम लगाते हैं या बनाते हैं तो इन दोनों में से एक को लेकर जाना, क्योंकि मैं डेमो के लिए टीम बना दूंगा और पहले इसलिए पोस्टर देखने से पहले वीडियो को देख लिया करे भाई, क्योंकि टॉस होने के बाद बहुत से प्लेयर चेंज हो जाता है जिसके कारण आपको टीम बनाने में परेशानी या मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं बैट्समैन सेक्शन में,
बैट्समैन सेक्शन में देखिए। आने से पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं डिप्लोसी के बारे में। डिप्लोसी का सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है और रिसेंट के फॉर्म भी अच्छे खासे हैं, लेकिन डिप्लोसी को आज खतरा है दो बॉलर से। एक खतरा है राशिद खान से, दूसरा खतरा है नूर अहमद से। ध्यान रखिएगा, डिप्लोसी जो है स्पिनर को अच्छे नहीं खेल पाता है। आज अगर आप लोग डिप्लोसी को अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिए हैं तो राशिद खान को अपने टीम में नहीं लीजिएगा। अगर राशिद खान नूर अहमद आपका टीम में है तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों फ्लॉप्स हो जाएगा। इस रीज़न को ध्यान रखते हुए आप लोग टीम बनाइएगा। देखिए डिप्लोसी का इस IPL के दौरान अच्छे हैं। इस टीम का अगेंस्ट दो मुकाबले खेले हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन किए हैं। उसके बाद है विराट कोहली। भाई विराट कोहली सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेगा, चाहे आप लोग हेड टू हेड लीग या स्मॉल लीग मेगा GL का रिक्सी टीम जो भी टीम लगाते हैं तो विराट कोहली को आज कैप्टन जरूर दीजिएगा। इन्हें स्पिनर को खेलने का भी एक्सपीरियंस है, पेसर का खेलने से भी एक्सपीरियंस है, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट को भी खेल लेता है बहुत आसानी से। इनके अंदर इतना टैलेंट है और इस टीम के खिलाफ शतक और शतक लगाए हैं, तीन मुकाबले में तीनों में भाग लिए हैं, तीनों में अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं। सेफ पिक रहने वाला है डिप्लो विराट कोहली। अब बात कर लेते हैं सुमन गिल। भाई सुमन गिल हेड टू हेड मुकाबले दोनों टीम आपस में तीन खेले हैं, तीन मुकाबले में से दो तो गुजरात टाइटंस जीत चुका है लेकिन RCB एक मुकाबले जीते हैं। फिर भी सुमन गिल को हर कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन देगा, लेकिन एक बार ये बात जान लीजिए, सुमन गिल इस टीम के अगेंस्ट एक ही मैच में शतक लगाए हैं, बाकी मैच में दो मैच में फ्लॉप्स रहे हैं। और लेकिन ग्राउंड सुमन गिल को अच्छे से सूट करता है। अब साइम जो है ये बैकअप और प्लेयर के लाइनअप में नाम शामिल है, बैकअप प्लेयर में तो इसे ज़रूर रखिएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड तो खास अच्छे नहीं है लेकिन इसे भी ग्राउंड सूट करता है। आप भी जानते हैं जिस भी प्लेयर को ग्राउंड सूट कर जाता है वो लंबे स्कोर खेलने का काबिलियत रखता है। मतलब ग्राउंड सूट करना का मतलब ये होता है वो कम ही बॉलों में अच्छे खासे स्कोर करने का काबिलियत होता है। अब बात कर लेते हैं डर्मकार्ड योनिक मिलर। भाई डेवी मिलर है जिनका दो मुकाबले खेलने का मौका मिला है, दो मुकाबले में दोनों मुकाबले में शतक लगाए हैं, इसलिए डेवी मिलर को जो है गुजरात टंडन की तरफ से चार नंबर में बैटिंग ऑर्डर आएगा। फिर भी सेफ पिक रहेगा, यूनिक रहेगा और डर्मकार्ड रिक्सी प्लेयर के रूप में आप डेवी मिलर को अपने टीम में शामिल जरूर कर पाइएगा। अब बात करते हैं आर पडोटरी, जो कि ये RCB की तरफ से चौथा बैट्समैन है और इनका रिसेंट के मैच काफ़ी लाजवाब है और इसे ज़्यादा अगर आप लोग रिक्सी लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिक्सी ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम, तो डिप्लोसी को वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं आर पडोक्ट्री के। अब इन सब में से खेलेगा नहीं, अभी फिलहाल के लिए लाइनअप में नाम शामिल नहीं है। ये छः बैट्समैन है, छः बैट्समैन में तो आप अपने टीम में तो छों को शामिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग से में से पाँच दो जो शामिल करना है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इनका टैलेंट और एक्सपीरियंस का व्याख्या मैंने करता हूं और बताता हूं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हेड टू हेड भी अच्छे हैं और ये रिकॉर्ड इस IPL के दौरान भी अच्छे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देते हैं, वो है ये ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिच रिपोर्ट का भूमिका बहुत इस ग्राउंड पर रहता है। जिस भी ग्राउंड पर पिच रिपोर्ट के अच्छे स्कोर होता है, लो स्कोर भी होता है, यानी ग्राउंड शूट करने वक्त होता है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट जो है, बैटिंग पिच है, यहाँ पर गुड बॉल प्रेशर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 166 है। वेन्यू नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद। मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब और मेरे एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मैं अपने हिसाब और एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, ये ग्राउंड बैलेंस पिच है। आप लोग सिर्फ आप लोग निर्भर बैटिंग पर नहीं लेना है, आप लोग अपने एक टीम अगर दो टीम बनाते हैं तो एक टीम में बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर देना,
और एक टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन को देना। क्यों कहते हैं, यहाँ पर हाई स्कोर 190 बना है, लो स्कोर की बात करें तो 66 पर ऑल आउट हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं बॉलर को भी सपोर्ट करता है और बैट्समैन को सपोर्ट करता है, क्योंकि बैट्समैन को सपोर्ट करने का है तो हर कोई बैट्समैन का फेवर में जाएगा, लेकिन आपको विपरीत जाना है, जिसे विपरीत का मतलब होता है उल्टा टीम बनाना है। उल्टा टीम अगर शूट कर गया तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट कर पाएंगे, अन्यथा आपको एंट्री फीस भी डूबने का चांस और संभावना रहेगा इसमें में। अब बात कर लेते हैं, ग्रेन मैक्सवेल खेलेगा नहीं, लाइनअप में नाम शामिल नहीं है। कोलमैन ग्रीन वाई रिसन के मैच अच्छे खासे इस आईपीएल में चल रहा है, पार्ट टाइम पूरे 4 ओवर बॉलिंग करने का भी मौका मिल रहा है। अब यहाँ पर जे वाइस स्पिनर है और इन ये 3 नंबर में बैटिंग करेगा, आरसीबी की तरफ से दोनों है और अच्छे खासे बैटर भी है, एक मैच में अच्छे खासे स्कोर भी किया है। अब ऑटो माइजम इस आईपीएल के दौरान खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन आईपीएल से पहले जो T20 हुआ है, ODI जिसे कहते हैं, ODI में काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण इन आईपीएल के दौरान फ्लॉप्स होने के कारण इन्हें सिलेक्शन परसेंट काफ़ी लो हो गया। आप अपने टीम में इसे ज़रूर रखिएगा, यूनिक के साथ साथ एक्सपीरियंस बंदे रहेगा, डर्म कार्ड के साथ साथ अच्छे खासे इनके काबिलियत है, इन्हें भी पूरे 4 ओवर कराया जाता है। अगर बैटिंग से फ्लॉप्स हुआ है तो बॉलिंग से कुछ ना कुछ विकेट मिल सकता है, क्योंकि पिच भी बैलेंस है मेरे हिसाब से। मैं अपनी टीम में इसे ज़रूर दूंगा, 2 बॉलर का मौका है और दोनों का ज़रूर मैं दूंगा। अब यहाँ पर राहुल तिपतिया खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन इस अगले मैच में अच्छे खासे स्कोर किया है, खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब एस सिंह जो है रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन ये बैकअप और प्लेयर के रूप में रहेगा और बॉलिंग का काफ़ी लाजवाब है, बैटिंग से खास प्रदर्शन नहीं करता है लेकिन बॉलिंग से अच्छे खासे प्रदर्शन करता है। अब ये 4 वॉलंडर में से आप लोग किसी को ट्राई कर सकते हैं, डर्मकार्ड, योनिक, रिक्सी, जो भी करना है आप अपने हिसाब से ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बता देता हूँ इस ग्राउंड पर कुल कितने मुकाबले हुए हैं, इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर 10 मुकाबले हुए हैं। 10 मुकाबले में से जो बैटिंग फर्स्ट किए हैं वो 4 मुकाबले जीते हैं और जो बैटिंग सेकंड किए हैं वो 6 मुकाबले जीते हैं। कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है और सेकंड इनिंग में चेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपने टीम को क्रिएट जरूर कीजिएगा, क्योंकि टॉस होने के बाद बहुत से प्लेयर चेंज भी होने वाला है और कुछ प्लेयर का जो है जिन्हें लाइनअप में 3 नंबर में शामिल होता है उन्हें 5 नंबर में उतारा जाता है और जिनका 6 से 7 नंबर में बैटिंग ऑर्डर दर्शाया रहता है उनको 2 से 3 नंबर में उतारा जाता है। इस आईपीएल में उलट पुलट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा फोकस आप लोग टॉस होने के बाद कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में आज का पिक रहने वाला है राशिद खान। भाई राशिद खान जो है डिप्लोसी को तो मेरे हिसाब से ज़रूर ले लेगा, डिप्लोसी को महंगा पड़ेगा राशिद खान, और राशिद खान जो है डिप्लोसी को और राशिद खान पर कौन प्लेयर जो है महंगा पड़ेगा, एक जो है बैट्समैन विराट कोहली को छोड़कर सब प्लेयर जो है राशिद खान से बोलबाला इस ग्राउंड में होगा, ज़्यादातर नुकसान डिप्लोसी को होने वाला है। विराट कोहली को बाल बांका ये राशिद खान नहीं कर सकता है। अगर विराट कोहली बाय चांस कैच आउट हो गया अलग बात है, लेकिन अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन देना तो विराट कोहली को आज अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर देना। अब बात कर लेते हैं लुगी फर्गुसन, भाई खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है फिर भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। एम शर्मा इस आईपीएल के दौरान 15 मुकाबले में 26 विकेट निकाले हैं और डर्म कार्ड यूनिक होगा, और एस दयाल खास प्रदर्शन नहीं करता है और रिसेंट आईपीएल में 1-1 विकेट निकाल के जाता है अच्छे खासे। देखिए आज जो लाइनअप में मोहम्मद सिराज जो है आरसीबी की तरफ से जो है खेलने वाला है, ये जो है सुमन गिल पर भारी पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन परसेंट लो है और मोहम्मद सिराज आज सुमन गिल पर भारी पड़ेगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। विकेट जो है
सुमन गिल का विकेट मोहम्मद सिराज को निकालने का चांस 100% है। भले विकेट ना मिले अलग बात है, लेकिन भारी पड़ने वाला है और सिलेक्शन परसेंट कम है, यूनिक होगा, हर कोई इसे छोड़ कर जाएगा, लेकिन मैं अपनी टीम में आज मोहम्मद सिराज को ज़रूर शामिल करूंगा। अब बात कर लेते हैं नूर अहमद भाई, ये गुजरात की जो है बॉलर है और इनका सिलेक्शन परसेंट लो है, मैं फिर भी इसे अभी अपनी टीम में शामिल करूंगा, अच्छे खासे प्रदर्शन करने वाले हैं। अब यहाँ पर छः जो है चरात्मा बॉलर के रूप में S1 अच्छा खासा रहेगा और के शर्मा ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, और ये चार आठ बॉलर जो मैं बताया हूँ, आठ बॉलर में से उलट पुलट कर कर चार बॉलर तीन बॉलर जो लेना चाहते हैं राह ले सकते हैं, लेकिन आठों में से लगभग छः बॉलर जो ऐसा मिलेगा यूनिक होगा। अगर छः बॉलर में से कोई दो तीन बॉलर जो भी ले लीजिएगा यूनिक होगा, अगर एक एक विकेट निकाल लिया तो ड्रीम टीम में आ जाएगा। चलिए मैं आपको टीम क्रिएट कर कर बताते हैं, और यहाँ पर देखिए मैं अपनी टीम में क्यों रखूंगा, किस रीज़न से रखूंगा ये भी बताएंगे। अब एज यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, देखिए अभी दोनों टीम की अपेक्षा देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की दृष्टि से गुजरात टेंडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर दो विकेट कीपर शामिल है, पहला है दिनेश कार्तिक, दूसरा है रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह का रिकॉर्ड खास नहीं है, कम ही बॉलों में आउट हो रहा है, अच्छे खासे एक्सपीरियंस बनते हैं, लेकिन इस IPL के दौरान फ्लॉप्स हो रहा है। दोनों को सिलेक्शन परसेंट आया है तो इन दोनों में से मैं किसी एक को लूँगा, क्योंकि एक को लेने के बाद देखिए अगर ये दोनों में से कोई एक दोनों का दोनों आउट हो गया, मैं अपनी टीम में एक को लूँगा तो मेरे ये टीम ज़्यादा नुकसान नहीं दिलाएगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए RCB की तरफ से दिनेश कार्तिक को ले लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं बैट्समैन में, बैट्समैन में जो है RCB की तरफ से डीप लोसी को लूँगा और विराट कोहली को लूँगा, शुमन गिल को लूँगा, ये तीन बैट्समैन को मैं लूँगा, और चौथा डनकार्ड यूनिक के रूप में यहाँ पर डेवी वालर को मैं अपनी टीम में रखा हूँ। चार बैट्समैन लिया हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन आर पर्यंत का RCB की तरफ से ये पांच बैट्समैन को लिया हूँ, और ऑलराउंडर सेक्शन में इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर जो रहेगा ये डनकार्ड। अब यहाँ पर ऑटोमाइज सिलेक्शन परसेंट कम है, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है, इनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, कभी बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट देता है और बॉलिंग से भी, कोलमन ग्रिंग या जे वसन, इन तीन बेस्ट बॉलर को लिया हूँ। अब यहाँ पर ऑलराउंडर को लिया हूँ। अब बात कर लेते हैं बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में जो मेरा डर्म कार्ड सबसे प्रथम बॉलर रहने वाला है, सबसे प्रथम बॉलर रहेगा राशिद खान, राशिद खान के बाद रहेगा मेरा मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज के बाद रहेगा इम्पोर्टेंट नूर अहमद, जो ये मैं तीन बॉलर रखा हूँ। तीन बॉलर में से मैं किसी बैट्समैन को ड्रॉप कर दूंगा, या ऑलराउंडर को मैं ड्रॉप करूं या बैट्समैन को मैं ड्रॉप करूं। यहाँ पर जो है दिनेश कार्तिक या रिद्धिमान शाह को मैं एक को लिया हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो है विराट कोहली या डिप्लोसी में से किसी एक पर डॉट बुझा रहा है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिप्लोसी को या मिलर में से ज़रूर किसी को ड्रॉप कर दूंगा। अभी एक जो है मैं अभी डिप्लोसी को ड्रॉप कर कर आप बात कर लेते हैं, एक बॉलर जो है मेरा, मैं राशिद खान को लिया हूँ इसलिए मैं डिप्लोसी को ड्रॉप किया हूँ, नूर अहमद को लिया हूँ। ये जो है मैं तीन बॉलर लिया हूँ, तीन बॉलर लेने के बाद देखिए तीन ऑलराउंडर लिया हूँ, तीन बॉलर लिया हूँ, तीन बॉलर में से मैं पहला बॉलर है राशिद खान, दूसरा है मोहम्मद सिराज, तीसरा है नूर अहमद। अब यहाँ पर मैं तीन ऑलराउंडर लिया हूँ, ऑटोमाइज और यहाँ पर जय वसन, कोलमन ग्रीन, मतलब तीन बॉलर में से दो डर्म कार्ड एक यूनिक, तीन रिक्सी प्लेयर यूनिक प्लेयर हो गया है। अब मैं विराट कोहली को लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परफॉर्म कर गया वो टीम अच्छे खासे रैंक कर जाएगा। मेरा जो कैप्टन के रूम में रहेगा विराट कोहली, और वाइस कैप्टन के रूम में मेरा रहेगा आज राशिद खान, क्योंकि मैं बैलेंस पिच के हिसाब से टीम बनाया हूँ, जिसके कारण मैं कैप्टन जो है बैट्समैन को दिया हूँ और वाइस कैप्टन मैं बॉलर को दिया हूँ। बैलेंस पिच है, कभी बैटिंग का फेवर में जाएगा,
कभी बॉलिंग का फेवर में जाएगा। बाय चांस बॉलिंग को फेवर में चला गया, अच्छे खासे जो है विकेट मिल जाएगा राशिद खान को। अब यहाँ पर देखिए मेरा टीम का प्रव्यू किस तरह से रहता है। देखिए फिलहाल के लिए मेरा टीम का प्रव्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।